जिमी शेरगिल तनुवेज मनु और तनुवेज मनु रिटर्न्स में अपनी एक्टिंग स्किल से कर चुके हैं लाखों फैंस को इम्प्रेस। एक बार फिर वो देने जा रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म शॉर्टकट सफारी से बड़े पर्दे पर दस्तक। हाल ही में हुआ इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, जहां जिमी ने इस फिल्म को लेकर की मीडिया से खास बात। बच्चों की फिल्म है, बच्चे हैं इस फिल्म के हीरो और सब कुछ, और ये बच्चे जो हैं एक स्कूल ट्रिप पे जाते हैं जंगल में और वहाँ जाके खो जाते हैं नेचर के साथ। अब इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अब ये फिल्म है किड्स से रिलेटेड और जिमी इस फिल्म में आएंगे आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर में नजर। तनुवेज मनु में जिमी ने निभाया था राजा अवस्थी का कैरेक्टर, तो इस फिल्म में उन्होंने जिया है अपना ये किरदार जंगल का राजा बनकर। हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म में किरदार अलग होता है। फिल्म में एक ऐसा किरदार जो जंगल के अंदर है, शायद बहुत सालों से ये जो है वो बाहर की दुनिया से दूर आ गया है और इसने अपनी एक दुनिया बसाई है, तो एक ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स करने का कहाँ है रोज़ मौका मिलता है। As we all know कि अपने संजू बाबा यानी संजय दत्त हो गए हैं आज रिहा, ऐसे में जिमी ने जताई इस बात पर खुशी और एक बार फिर उनके साथ मुन्ना भाई 3 में स्क्रीन शेयर करने की जाहिर की हमसे ख्वाहिश। जी हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आए, बिल्कुल आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा भी इस बार कुछ और डिफरेंट रोल हो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जो पहली वाली में जहीर था, दूसरी वाली में विक्टर था, अब इस बार देखते हैं। हम भी कर रहे हैं इंतजार कि जल्द से जल्द ये जोड़ी आए मुन्ना भाई के सीक्वल में एक बार फिर नजर। पर फिलहाल के लिए हम कहते हैं जिमी शेरगिल को उनकी फिल्म शॉर्टकट सफारी के लिए ऑल द बेस्ट।